सो हेलो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं आपको बिनोमो का बग देने वाला हूँ, मेरा आईडी फिर से इसने ब्लॉक कर दिया, बट पेआउट मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, बट आईडी जैसे मैंने मेंशन किया था कि मैं दूसरे का आईडी यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही मतलब ये लोग आईपी एड्रेस के थ्रू आईडी को भी दे दिया, तो मैं बिनोमो पे और ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो भी है मैं आप लोग को दे दूंगा। अभी आज मैं दो ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है, और भी मेरे पास तीन चार ट्रिक है। देखो, मतलब एक ट्रिक जो है हर टाइम वर्क नहीं करता है, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहता है, आपको ही पता है। और ये जो ट्रिक है स्पेशली नाइट के टाइम अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैं रात को ट्रेड करता था इसमें। ठीक है, आपने देखे होंगे मैं रात को नॉर्मली ट्रेड करता था। अभी जो ये जो ट्रिक है ऑल्ट कॉइन इंडेक्स पे वर्क कर रहा है, बट अभी क्या है सिचुएशन, आप देखो बहुत सारे शेडो बन रहा है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा है, बट रात के टाइम आप देखना इस टाइप का सॉलिड कैंडल बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैंडल का पैटर्न बन रहा है, अभी देखो मैं एक आपको एक प्लेस करके दिखाता हूँ। अगर ये कैंडल देखो पहला 30 सेकंड का, ये जो कैंडल पैटर्न है आपका 30 सेकंड का है, और यहाँ पे आपको क्लॉक दिखना है। ठीक है, अभी अगर देखो ये कैंडल मेरा ग्रीन हो जाता है, ये अगर रेड होता है तो मैं वेट करूँगा, अगर ये ग्रीन होता है तो फिर मैं डाउन के ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस कर दिया हूँ 1 मिनट के लिए। क्यों प्लेस किया, देखो यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है, देखो कॉलर के वाइज आपको देखना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कैसे पैटर्न फॉर्मेशन होता है, अगर पहल मतलब इसका प्रीवियस 1 मिनट का फास्ट 30 सेकेंड का कैंडल सपोज आपका रेड होता है, ठीक है, उसके बाद फास्ट कैंडल का नेक्स्ट मतलब रिमेनिंग 30 सेकेंड कैंडल, 1 मिनट कैंडल में 30 सेकेंड का 2 कैंडल फॉर्मेशन होगा, अगर वो ग्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद वाला कैंडल का अगर पहला कैंडल रेड होता है, देन अगला 30 सेकंड के लिए आपको ग्रीन मतलब अपवर्ड के लिए लेना है। अगर पहला कैंडल आपका ग्रीन होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे उसका प्रीवियस कैंडल आप देखना रेड ग्रीन हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल का पहला कैंडल ग्रीन हुआ है, देन अगला 30 सेकंड के लिए आपको डाउन के लिए जाना। सिंपल सा बात है, आप मतलब दो तीन बार समझ लेना वीडियो को, उसके बाद आप मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, अगर एक पैटर्न बनता है उसका प्रीवियस कैंडल में ऐसे होता है ग्रीन ग्रीन होता है, देन अगला 1 मिनट के लिए आपको रेड रेड पैटर्न देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ से डाउन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया, आप देखिए ग्रीन ग्रीन बना था, 2 कैंडल था, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए डाउन के लिए प्लेस कर दिया। कब प्लेस किया, जब यहाँ पे 0:00 टाइमिंग था, मतलब यहाँ पे जो क्लॉक मोड दिखा रहा है ना उसके हिसाब से कैंडल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन, ये ग्रीन हो रहा है, तो मैं ये अगर ग्रीन होता है देन अगला 30 सेकंड के लिए मैं डाउन के लिए जा सकता हूँ, बट यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, प्लेसिंग थोड़ा सा गलत हुआ, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट करने के लिए जा रहा है, जो मैंने 2 लाइन लिया हुआ ना इसीलिए मैं इसको लिया हूँ कन्फर्मेशन के लिए, ताकि आपको वहाँ पर प्लेसिंग ना करना पड़े। ठीक है, जब आप देख रहे होंगे ई बॉलिंजर सॉरी ई एम ए का जो लाइन है ना, आइदर ये ऊपर वाला ई एम ए लाइन के ऊपर होना चाहिए, जो मैं 2 EMA यूज कर रहा हूँ, ई एम ए मूविंग एवरेज जो है ई एम ए 8 और ई एम ए 60, दो में यूज कर रहा हूँ 60। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको एक कॉन्फर्मेशन दे देता है ट्रेंड का, जब इंटरसेक्ट होता है जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुआ है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है 1 मिनट के लिए अपवर्ड ले सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो वो एक कॉन्फर्मेशन के लिए, तो अभी देखना यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्ट करने के लिए जा रहा है, ये इंटरसेक्ट करने के लिए जा, आपको कब प्लेसिंग करना मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक कैंडल रेड बनेगा और थोड़ा सा नीचे आएगा तब आपको अपवर्ड के लिए जाना। देखो अभी जो है ये काफ़ी ऊपर तक ये चला गया है, आप प्लेस कर सकते हो, बट एक रेड के बाद अगर लोगे देन आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड हो जाता है देन आप 1 मिनट के लिए अपवर्ड के लिए प्लेस कर सकते हो। देखो सब पॉइंट को नोट डाउन करना, देखो ये जो है ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहला जैसा नहीं कि आप 15 सेकंड अगर रेड बना तो रिमेनिंग टाइम के लिए ऑफ ले लो, पसंद नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है ये। ठीक है, बट अगर इसको भी आप फॉलो करोगे इंटरसेक्ट के टाइम अगर आप प्लेस करोगे तो भी आप विन कर सकते हो, बहुत मतलब 90% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, जब इंटरसेक्ट हो रहा होगा प्रॉपरली देन आप अपवर्ड के ले लो, जब ग्रीन मतलब येलो लाइन के ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन आप डाउन आर्ट के लिए प्लेस करो, कहीं पर भी आप हिस्ट्री देख लेना वो वर्क करेगा। ठीक है, तो बग क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे टाइमिंग के हिसाब से ये आपका 3 बजे है। ठीक है, तो ये हो गया 3:30 का कैंडल क्या बना, ग्रीन बना है। ठीक है, उसके बाद वाला 30 सेकंड कैंडल क्या बना, रेड बना है। ठीक है, मैं आपको क्या बोला, अगर प्रीवियस 1 मिनट कैंडल का जो 30 सेकंड का 2 कैंडल अगर ग्रीन प्लस रेड होता है देन अगला कैंडल आपको देखना है। ठीक है,
यहाँ पे देख लो, ये जो है पहला 32nd कैंडल ग्रीन हुआ, उसके बाद रेड हुआ, तो कॉम्बिनेशन बन गया आपका ग्रीन प्लस रेड। तो नेक्स्ट कैंडल का पहला 32nd आपको वेट करना, ठीक है। तो आपको देखना है, मैं आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर पहला 32nd का कैंडल अगर आपका ग्रीन होता है देन रिमेन नेक्स्ट 32nd कैंडल रेड होने वाला, रेड मतलब डाउन, ग्रीन मतलब ऑफ। अगर पहला मतलब 32nd का कैंडल रेड बन रहा है देन अगला 32nd के लिए ऑफ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन हुआ उसके बाद रेड हुआ, तो नेक्स्ट एक मिनट का पहला 32nd का कैंडल देखो रेड बना, अगला 32nd कैंडल के लिए ऑफ गया, ठीक है। फिर आप इसमें अगर आप देखोगे ये जो कैंडल देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, रेड ग्रीन, फिर नेक्स्ट 32nd नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल का पहला कैंडल आप देखो रेड बना, उसके बाद 32nd कैंडल देखो ग्रीन डोजी बना हुआ। फिर देखो ये 32nd कैंडल का देखो पहला कैंडल आपका रेड बना, नेक्स्ट 32nd कैंडल देखो ग्रीन बना हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। फिर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर इस कैंडल को देखो, ये भी आपका 1 मिनट कैंडल का पहला 32nd कैंडल है जो रेड बना है, अगला 32nd कैंडल देखो ग्रीन बना हुआ। यहाँ पे भी देखो ये 32nd का कैंडल आपका रेड बना हुआ है, अगला 32nd कैंडल देखो ग्रीन बना हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब और आपको कब ट्रेड लेना, जब ये दो EMA लाइन के आसपास होगा, मतलब इसको कट कर रहा होगा। अगर वो ट्रेंडी मार्केट है, ऐसे चल रहा है, और मतलब आपका मूविंग एवरेज लाइन ऐसे मूवमेंट है और आपका ट्रेंड उसके साथ मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना। इस टाइप का कंसोलिडेट मार्केट पे आपको लेना है। मैं फिर और दिखा देता हूँ जहाँ पे वर्क कर रहा होगा। इस पोजीशन में आप देखो कंसोलिडेट हो रहा है, इस पोजीशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखते हो देखो ये जो है पहला 32nd का कैंडल रेड, देखो आपको 1 स्टेप मार्जिन पे विन हो ही जाएगा। अगर आपका एक ट्रेड लॉस होता ना, अगला ट्रेड पे आपको विन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना इसमें अगर आपका देखो रेड ग्रीन बना हुआ है, तो पहला कैंडल रेड बना, यहाँ पे अगर आप 32nd लेते वो लॉस हो जाता, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बोला था, अगर आपका पैटर्न मतलब ये लाइन के आसपास में अगर रेड रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है देन आपको नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अपवर्ड के लिए जाना, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो सकता है या फिर ग्रीन रेड हो सकता है, बट आपका अपवर्ड डायरेक्शन के लिए विन होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो दो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये आपका टाइमिंग है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो पहला जो 1 मिनट का 32nd कैंडल ये रेड हुआ उसके बाद ग्रीन हुआ, तो यहाँ पे रेड के बाद ग्रीन लेने से मे भी ये लॉस हो सकता था, बट अगर थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर प्लेस किए होंगे विन हो जाता, ठीक है, चलो ये लॉस हो गया समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कैंडल क्या बना हुआ है, दो कैंडल आपका रेड रेड बना हुआ है प्रीवियस कैंडल का, तो मैं आपको बोला अपवर्ड के लिए आपको प्लेस करना 1 मिनट के लिए, हो गया। तो फिर आप देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पैटर्न बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन जैसे बना फिर आप 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, 1 मिनट के लिए आप डाउन के लिए ले लो। सब ITM है, देखो यहाँ पे अगर प्लेस करते तो ये आपका ITM हो जाता, समझ लो। देखो बहुत लोगों को फिर भी कन्फ्यूज होगा, देखो ये जो कैंडल आप देख रहे हो 32nd का, 1 मिनट में अगर आप 32nd का कैंडल देखते हो, 2 32nd का कैंडल बनता है, ठीक है। आपको ट्रेड प्लेसिंग कब करना, पहला 28nd के बाद ही आपको प्लेस करना, मतलब आपको माइंड में डिसाइड करके रखना। मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा कुछ, ठीक है। तो अभी अगर आप ये कंडीशन देखते हो, ये आपका पहला 32nd है 1 मिनट का, उसके बाद ग्रीन हुआ, रेड ग्रीन हुआ, उसके बाद रेड रेड बना, तो रेड रेड जैसे बना तो आप 1 मिनट के लिए ऑफ के लिए ले लो। फिर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बना, उसका प्रीवियस 1 मिनट का कैंडल, देन आप 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ले लो। फिर यहाँ पे आप देखो 1 मिनट के लिए ग्रीन ग्रीन बना, फिर आप 1 मिनट डाउन के लिए ले लो, ठीक है। तो समझ सकते हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, आपको समझ में आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। फिर आप यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल रहा था, जैसे आप यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, आप देख रहे हो अपवर्ड के लिए गया हुआ, फिर देखो ये इंटरसेक्ट करने जा रहा, फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिल रहा। मैं आपको बोला एक ग्रीन कैंडल के बाद आप डाउन के लिए ले सकते हो, जैसे ये ग्रीन कैंडल अगर हो जाता है या फिर एक कैंडल आप वेट कर सकते हो तब आप ले सकते हो, ठीक है। आप यहीं पर ले सकते हो, जैसे ये मतलब इंटरसेक्ट करने जा रहा होगा उसी टाइम आप प्लेस कर देना एक ग्रीन के बाद, ठीक है। बट अगर ये कैंडल सॉलिड बन जाता है और इसका डायरेक्शन रोटेट हो जाता है देन आपको नहीं लेना, ये इंटरसेक्ट कंफर्मेशन के बाद ही आपको प्लेस करना। जैसे इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे आप डाउन के लिए प्लेस कर सकते हैं, जब भी आप इंटरसेक्ट होगा तब आप 1 मिनट के लिए डाउन के लिए ले लेना, ठीक है। ये ऑल्ट कॉइन इंडेक्स पे अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, रात के टाइम क्रिप्टो IDX में भी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, आपको इसी टाइप का मार्केट में लेना, जब ये रेड ग्रीन पैटर्न बनता होगा कंसोलिडेट जोन पे, ट्रेंडी मार्केट में आपको लेने के लिए वो जो मैंने बोला EMA का इंटरसेक्शन पे आप ले सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना, देखो ये जो है ये आपका टाइमिंग खत्म हो गया 2:50,
उसके बाद देखो ये पहला एक मिनट मतलब 251 पे दो आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है 30 सेकंड का। उसके बाद देखो दो रेड कैंडल बना हुआ है। अगर ये दो ग्रीन कैंडल के बाद आप नेक्स्ट एक मिनट का कैंडल पे डाउन के लिए प्लेस कर देते वो ITM हो जाता, समझ रहे हो ना? क्या बना है? ग्रीन प्लस रेड, ठीक है। मैं आपको क्या बोला था, अगर उसका प्रीवियस कैंडल में कॉम्बिनेशन ऐसे है और नेक्स्ट कैंडल का पहला कैंडल अगर रेड होता है देन नेक्स्ट आप 30 सेकंड के लिए अपवर्ड ले लेना है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन होता है देन 30 सेकंड के लिए डाउन ले लेना। देखो यहाँ पे ग्रीन रेड बना, उसके बाद देखो रेड ग्रीन हुआ, फिर देखो रेड ग्रीन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रेड रेड बना, यहाँ पे अगर आप एक मिनट के लिए अपवर्ड प्लेस करते तो ये आप 30 सेकंड का पेयर देखो अपवर्ड ही क्लोज होता, ठीक है। आपको कब प्लेस करना मैं बार बार बता रहा हूँ, आइदर ये ऊपर लाइन मतलब जो EMA लाइन के ऊपर में होना चाहिए या फिर उसके नीचे होना चाहिए, मतलब उसको टच करना होना चाहिए, बार बार टच कर रहा होगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। और ऐसे पॉइंट आपको हर एक मतलब 5 मिनट में मिल ही जाएगा। और इस पोजीशन में भी आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बना हुआ है, आपका रेड ग्रीन का पैटर्न बना हुआ है, रेड प्लस ग्रीन का पैटर्न बना हुआ है। और इस पोजीशन में भी देखो आपका रेड ग्रीन बना हुआ है, फिर देखो रेड ग्रीन बना हुआ है, फिर देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पैटर्न बना। तो यहाँ पे अगर आप प्लेस करते एक मिनट के लिए तो ये भी ITM हो जाता, समझ रहे हो ना? वही है, बाकी आपको थोड़ा सा और देखो यहाँ पे आपको नहीं लेना, ये जो है देखो ये ऊपर चला गया, फिर देखो ये कंटिन्यूस रेड ही बन रहा है, वहाँ पे आपको नहीं लेना। जब इस टाइप का पैटर्न बन रहा है रेड ग्रीन या फिर ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड इस टाइप का पैटर्न बना तब आपको लेना। आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में आपको लाइव भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है, तब आप वो चीज़ देख लेना। ये इस टाइप का ट्रेंडी मार्केट में नहीं रहना, मैं आपको बोला ना जब ये इंटरसेक्ट करके कंटिन्यूस अपवर्ड चल रहा है आपको नहीं रहना। जब ये इस टाइप का हॉरिजॉन्टल जोन में होगा, जैसे आपने देखा ये इस टाइप का जोन पे देखो, अब अगर देखोगे ये आपका मतलब एक पाथ में मूवमेंट हो रहा है जिग-जैग, ऐसे ट्रेंडी मार्केट में आपको नहीं लेना या फिर ऐसे डाउनवर्ड मार्केट में आपको नहीं लेना। उसके लिए आपको क्या करना, ये जो EMA इंटरसेक्ट कर रहा होगा तब आप प्लेस कर देना, ठीक है। अब हिस्ट्री देखो आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ 10-15 मिनट में ऐसे एंट्री आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एंट्री मिलता है, देखो ये आपका एक मिनट कैंडल है, ये आपका एक मिनट कैंडल है, यहाँ पे एक मिनट कैंडल है, यहाँ पे एक मिनट कैंडल है। जैसे अगर आप इस पोजीशन में अगर आप देखते हो क्या होता है, फर्स्ट सर्कल को देखो, पहले रेड बना, उसके बाद ग्रीन बना, उसके बाद वाला कैंडल का देखो रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन हुआ। तो ये आपका यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, आप देख लो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो आप यहाँ पे आराम से पहला 30 सेकंड वेट करो फिर ले लो, और 30 सेकंड नहीं कि मतलब 30 सेकंड में लेना, यहाँ पे आपको देखना है जब ये 28 सेकंड हो जाता है, अगर पहला 28 सेकंड रेड पे है देन रिमेनिंग टाइम के लिए आपको अपवर्ड के लिए ले लेना, और नेक्स्ट 30 सेकंड का कैंडल आपका ग्रीन में होगा। और 30 सेकंड के बाद अगर प्लेस करोगे देन आपको एक मिनट 30 सेकंड के लिए ट्रेड प्लेस करना होगा सिंपली। यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा इस पोजिशन में, देखो यहाँ पे मतलब उस टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे इस पोजीशन अगर आप देखते हो रेड रेड देखते हो, फिर ये ग्रीन रेड, तो यहाँ पे अगर आप प्लेस करते फिर भी ये ITM हो जाता, फिर देखो रेड ग्रीन बना हुआ है, रेड ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न देख के आप प्लेस कर सकते हो, जहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा होगा उस टाइप का। तो आपको देखो यहाँ पे फिर वो पैटर्न बन रहा है, देखो इस पोजीशन में पहला कैंडल क्या हुआ, रेड हुआ, उसके बाद ग्रीन बना, उसके बाद वाला 30 सेकंड कैंडल मेरा ग्रीन हुआ, तो अगला 30 सेकंड मेरा रेड होगा, तो रेड भी बना। तो यहाँ पे उसके बाद देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ग्रीन रेड उसके बाद रेड ग्रीन। मैंने बोला अगर आपका प्रीवियस कैंडल का रेड प्लस ग्रीन है तो अगला 30 सेकंड आपको वेट करना, अगर वो रेड होता है देन रिमेनिंग 30 सेकंड के लिए ग्रीन लेना, अगर ये ग्रीन होता है देन अगला 30 सेकंड के लिए आपको रेड लेना। बट जब आपका रेड रेड होता है तो आप ग्रीन के लिए आपको प्लेस कर देना अपवर्ड के लिए, अगर ये ग्रीन होता है देन डाउन के लिए आपको एक मिनट के लिए ले लेना। बट वो कब प्लेस करना, जब इस टाइप का मूविंग एवरेज लाइन के आसपास होगा, कट कर रहा होगा, ऐसे ट्रेंडी मार्केट पे आपको नहीं लेना सिंपली इस टाइप का मार्केट में। जैसे देखो ये अगर आप देखोगे एक जोन में मूवमेंट कर रहा है,
एक कंसोलिडेट मूवमेंट कर रहा है, उस टाइप का कंडीशन में ही आपको ऐसे एंट्री मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको हर एक मतलब ट्रेड पे मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, हिस्ट्री देखना कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो एनालिसिस तो होना चाहिए, देखो बग बोल के कुछ होता नहीं, बग फाइंड बग जो होता है वो एनालिसिस ही होता है। आप एक चीज़ पे जब आप डीपली एनालिसिस करते हो ना, तब आपको वहाँ पे कोई भी एक ट्रिक मिलता है कि हाँ ये चीज़ होता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, आप खुद से जो प्रैक्टिस करोगे दिमाग में वो चीज़ आएगा। पहले से आपको ये एंट्री सब प्री डिटरमाइंड करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब अभी ये जो ट्रिक है आपको क्रिप्टो आईडीएक्स में भी वर्क करेगा, रात के टाइम वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी आपको एक ट्रेड प्लेस करके अभी यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। देखो ये जो पैटर्न है ये अभी ट्रेंडी मार्केट में डाउन के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे लेना ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको एक दिखाने के लिए लेने के लिए। देखो इसका प्रीवियस एक मिनट का कैंडल का पैटर्न क्या बना है, ग्रीन प्लस रेड बना हुआ है, और मेरा पहला 30 सेकंड का कैंडल देखो ग्रीन बन रहा है। मैं कब प्लेस करूँगा यहाँ पे टाइमिंग देखते रहना, ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो 21:22, ये जैसे ही 27:28 होगा मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए प्लेस करने के लिए कोशिश करूँगा। बट ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, मतलब मार्केट ऊपर तक जा चुका है, ठीक है। देखो मैंने प्लेस किया, मेरा प्लेसिंग बस देखना, ये एंट्री गलत है क्योंकि देखो ये मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। और यहाँ पे देखो हमें क्या है कि इस टाइप का कंसोलिडेट जोन में मार्केट मूवमेंट होना चाहिए। बस मैं प्लेस करके इसलिए दिखाया, मैं जब यहाँ पे 27:28 सेकंड का मैं प्लेस किया, बट मेरा ट्रेड प्लेसिंग हुआ जस्ट 30 सेकंड बिफोर, ताकि मेरा जो ट्रेड प्लेसिंग हो ओनली 30 सेकंड के लिए बने, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको इस टाइप का मार्केट पे ही प्लेस करना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो 30 सेकंड वेट करना है, नेक्स्ट 30 सेकंड का ट्रेड प्लेस कर देना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न बना है अभी, ये दो कैंडल बना है ग्रीन ग्रीन के लिए, तो आपको यहाँ पे डाउन के लिए आप प्लेस कर सकते थे, समझ रहे ना। बट यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट करने के लिए जा रहा है, ये में जो लाइन है इंटरसेक्ट करने के जा रहा है। आपको मैं बोला जब ऐसे बनता है ग्रीन रेड बनता है तो पहला 30 सेकंड वेट कर लो, 28 सेकंड वेट कर लो, फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन पे ले लो। जब ये ग्रीन ग्रीन होता है तो फिर आप डाउन के लिए ले लो, एक मिनट के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो क्लोजिंग है मतलब इस लेवल के नीचे ही क्लोज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न प्रीवियस एक मिनट का कैंडल बना हुआ है ग्रीन ग्रीन का बना हुआ, तो ये आइदर रेड रेड होगा या फिर आपका यहाँ पे रेड ग्रीन होगा। एंड गाइस ये जो ट्रिक है आप मतलब क्या है कि अभी बिनोमो का ये जो क्रिप्टो आईडीएक्स पे अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? देखो अभी जो मार्केट का मूवमेंट आप देख रहे हो वर्क नहीं कर रहा है, बट जो चीज़ें देखो इसका मूवमेंट देखो कैसे चल रहा है, पूरा ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या ही काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो आपको एक मतलब ऐसे मूवमेंट चाहिए जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा होगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किया हुआ, देखो ये आपका पहला 30 सेकंड ग्रीन हुआ है ग्रीन, उसके बाद देखो रेड है। नेक्स्ट कैंडल का देखो पहला 30 सेकंड आपका रेड बना है, तो नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए आपको ग्रीन के लिए लेना, अगर ये ग्रीन होता देन आपको रेड के लिए लेना था, ग्रीन रेड फॉर्मेशन होता। जैसे यहाँ पे भी कुछ काम किया है, ठीक है, आप देखोगे तो पेयर में थोड़ा पहले कर लेता हूँ ताकि कौन सा पेयर है, ये दो ये चार छः आठ, ठीक है, तो आठ ये 10 12, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन में देखोगे काम किया है बट डोजी टाइप का बना हुआ है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको रात पे मतलब सॉलिड कैंडल मिलेगा जहाँ पे ये वर्क कर रहा होगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दो ग्रीन ग्रीन हुआ है, उसके बाद देखो दो रेड रेड हुआ है, फिर देखो ग्रीन रेड, ठीक है, उसके बाद देखो फिर दो ग्रीन बना है, फिर यहाँ पे अगर हम डाउन के लिए लेते तो भी ये आपका आईटीएम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एंट्री आपको मिलेगा, हर एक कैंडल पर आपको नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा वेट करके लेना होगा, जब कंसोलिडेट मूवमेंट हो रहा होगा तब आपको मिलेगा, जैसे कि इस पोजीशन में आपको मिला होगा बहुत सारे, ठीक है। देखो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है दो रेड कैंडल फॉर्मेशन है, उसके बाद देखो ग्रीन मतलब ये रेड तो हुआ है बट इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, फिर देखो यहाँ पे ग्रीन रेड, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करके करना होगा, बट ये जो ट्रिक है अभी फिलहाल तो वर्क नहीं कर रहा है इसमें, मतलब क्रिप्टो आईडीएक्स में। रात को देखना ये जो ट्रिक है, मैंने ऑल्ट कॉइन में जो इंडेक्स अप्लाई मतलब अप्लाई करके आपको दिखाया है वही चीज़ आप वहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे 41 सेकंड हो रहा है, दैट मीन्स ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका सेकंड 30 सेकंड का कैंडल बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, इसका प्रीवियस दो कैंडल आप देख लो, ठीक है, इसका प्रीवियस दो कैंडल क्या बना है, रेड ग्रीन बना हुआ है, तो ये जो है पहला 30 सेकंड आपका रेड बना है, तो ये कैंडल को आपको ग्रीन होना चाहिए,
ठीक है। और देखो कैंडल ग्रीन भी हुआ, अब देखे यहाँ पे ये जो कैंडल बना ये ग्रीन कैंडल भी बना, क्योंकि इसका प्रीवियस जो मतलब एक मिनट कैंडल में दो 30 सेकंड का कैंडल बना था वो रेड प्लस ग्रीन बना हुआ था। तो इसका प्रीवियस 30 सेकंड रेड बना तो नेक्स्ट 30 सेकंड आपका ग्रीन बना, ठीक है। तो ये आपको 90% एक्यूरेसी मिल जाएगा अगर आप प्रॉपरली यूज करोगे, आपको मिल जाएगा। तो अभी देखो रेड ग्रीन बना या फिर आपका ग्रीन बना, तो अगला कैंडल पे आप डाउन के लिए ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है आपका, देखो EMA का लाइन का जो माउथ का डायरेक्शन है देखो अपर डायरेक्शन के लिए जा रहा है, बट अगर आप ये वाई देखोगे तो यहाँ पे देखो रेड ग्रीन बना हुआ, तो नेक्स्ट 30 सेकंड आपका ग्रीन हुआ तो ये रेड होना चाहिए। बट मैं आपको बोला जब ये मूविंग एवरेज लाइन के आसपास होगा तभी आपको प्लेस करना, ठीक है। देखो ये रेड बन रहा है, बट आप यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, बट मैं नहीं लिया क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन के लिए था। अगर आप देखो उसका प्रीवियस एक मिनट का कैंडल का पैटर्न देखो, पहला 30 सेकंड रेड बना, उसके बाद ग्रीन बना, फिर वैसे ही देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये चार कैंडल देखो रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। मैं आपको क्या बोला हूँ, अगर एक मिनट का पहला 30 सेकंड अगर ग्रीन होता है उसके बाद अगर रेड होता है आपको नेक्स्ट कैंडल का पहला 30 सेकंड वेट करना है। अगर वो 30 सेकंड का कैंडल आपका रेड होगा रिमेनिंग 30 सेकंड के लिए आपको ऑफ के लिए लेना है। अगर ये ग्रीन होगा तो ये ग्रीन रेड पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको ट्रेड प्लेसिंग कब करना है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका रेड ग्रीन हुआ, ग्रीन रेड बना, ठीक है। अभी ये रेड हुआ, फिर देखना ये कैंडल जो है आपका ग्रीन होगा, क्योंकि देखो मैं आपको बोला हूँ पहला 30 सेकंड कैंडल इसका क्या बना, रेड बना, सॉरी इसका पहला 30 सेकंड रेड हुआ, उसके सॉरी ये जो दो पैटर्न आप देख लो ये आपका एक मिनट है, एक मिनट में दो 30 सेकंड का कैंडल है, तो पहला क्या है ग्रीन हुआ उसके बाद रेड हुआ। मैं आपको बोला अगर ऐसे ग्रीन और रेड होता है तो आपको पहला 30 सेकंड आपको वेट करना, जो ये वेट हुआ आपका यहाँ पे रेड बना। तो मैं आपको बोला अगर ये रेड होता देन अगला 30 सेकंड कैंडल आपका ग्रीन होने वाला, और यहाँ पे देखो ग्रीन बना भी। आपको प्लेसिंग परफेक्ट करना होगा तो आपको आराम से विन हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे ये कैंडल अगर आपका रेड बनता है देन अगला 30 सेकंड के लिए आप ऑफ के लिए जा सकते हो रिक्स लेके, बट यहाँ पे देखो इसका माउथ का डायरेक्शन इंटरसेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये कैंडल आप अपर के लिए ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो प्रीवियस इसका कैंडल का पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का पहला 30 सेकंड आपका रेड बना हुआ है, सो देट ये कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए। बट मैं आपको बोला कि इसका जो डायरेक्शन है आप देख लो, माउथ का डायरेक्शन आप देख लो, EMA लाइन में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, EMA लाइन कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि उससे ट्रेंड का डायरेक्शन पता चल जाए। मैं आपको क्या बोला था, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन आप एक मिनट के लिए डाउन के लिए ले सकते हो, फिर जब ये ग्रीन कैंडल येलो लाइन को मतलब ऐसे ऊपर कट कर रहा होगा तो फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये ऊपर से इंटरसेक्ट किया, यहाँ से देखो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ये जा रहा है, ठीक है। तो अब देखना ये कैंडल अगर ये आपका रेड रेड पैटर्न बना हुआ है तो ये आपका ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। अगर ये कैंडल रेड भी होता है देन अगला 30 सेकंड आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आप 30 सेकंड देखो, मैं आपको जस्ट एक प्लेसिंग करके दिखा रहा हूँ, प्लेसिंग परफेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। देखो जब यहाँ पे टाइमिंग आपका बच रहा है, ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ही आपका 26-27 सेकंड बनता है तभी आपको प्लेस करना है। और ऐसे देखो मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया बन जा रहा है कि हाँ मुझे कहाँ पर ट्रेड लेना है कहाँ पर नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इतना फ्लक्चुएशन में भी आपको प्लेसिंग परफेक्ट होगा देन आपको विन होना ही है, ठीक है। बग का मतलब ही वही है, आपको लास्ट सेकंड में भी विन करवा के वो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये प्लेस किया और फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, फिर मुझे आके क्लेम करोगे वर्क नहीं कर रहा, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया हुआ, इसी ट्रिक से मैंने प्रॉफिट किया हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी कमाओ बिनोमा में, मैं नहीं चाहता हूँ और ट्रेड करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट करने से प्रॉफिट दे नहीं रहा है। तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप 10,000 से उससे 50,000 1,00,000 भी कर लेते हो तो कोशिश करना उसको निकाल लेने के लिए, ठीक है। और कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रखना कि मतलब जैसे कि हो सके तो आपके लिए, अगर आपके पास 10,000 है देन आप 300-500 का ट्रेड लिया करो, एक ट्रेड अगर लॉस भी होगा मार्टिंगेल पे आप विन कर ही लोगे, क्योंकि आपको इतना परफेक्शन नहीं आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं इसी ट्रेड के मुझे इतना परफेक्शन उसको अप्लाई करना क्रिप्टो आइडिया वो चीज़ देख लेना तो आपको रेड कैंडल बन रहा है, तो अगला ट्रेड आप यहाँ पे 30 सेकंड के लिए ऑपर्ड के लिए ले सकते हो। बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट फिर भी मैं आपको एक प्लेस करके दिखाने वाला हूँ, काफ़ी नीचे तो आ चुका है ये। देखो मेरा प्लेसिंग देखो, मैं प्लेस किया थोड़ा सा गलत हुआ,
यहाँ पे जैसे ही आपका टाइमिंग रहेगा ना, यहाँ पे 27-28 सेकंड रहेगा। एक्चुअली प्लेसिंग होने में 2 सेकंड टाइम लग जाता है इसमें, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ प्लेसिंग थोड़ा आपका परफेक्ट होना चाहिए। और ये जो पैटर्न है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला हूँ, जब ये मूविंग एवरेज के आसपास में होगा तभी आपको लेना है, उसके डिस्टेंस में जब रहेगा या फिर इधर डिस्टेंस में रहेगा प्लेस नहीं करना है, ठीक है। बट अगर आपके पास उतना नॉलेज हो जाएगा, उतना एनालिसिस कर लोगे, तो फिर आप आराम से मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में भी ले सकते हो, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, उसके साथ मैं आपको और एक क्रिप्टो आईडीएक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। क्रिप्टो आईडीएक्स आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपको ट्रेड लेना है। आपको क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लोगे देन आपको यहाँ पे टाइमिंग 5 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। अभी देखो इसको आपको 15 सेकंड का कैंडल कर देना है, ठीक है। क्रिप्टो आईडीएक्स वाला न्यू जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आपको 15 सेकंड करने के बाद आपको देखना है टाइमिंग। आपको थोड़ा जूम आउट अगर आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइमिंग देखने को मिलेगा। देखो 3:55 to 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3:50 to 3:55 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ही जूम आउट कर लोगे तो आपको ऐसे 5 मिनट का कैंडल आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना, एक पहला 4 मिनट का कैंडल को पैटर्न आपको देखना है, ठीक है। कुछ पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपका ग्रीन प्लस ग्रीन होता है तो आपको क्या करना है, ये कैंडल 4 कैंडल खत्म होने के बाद 15 सेकंड का, मतलब 15 सेकंड का 4 कैंडल मतलब 1 मिनट, तो ये 4 कैंडल होने के बाद आपको अपवर्ड के लिए प्लेस कर देना है। अगर आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लेस करते, देखो ये जो पैटर्न है ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे अगर आप प्लेस करते तो क्लोजिंग होता आपका यहाँ पे, तो ये आपका विन हो जाता, ठीक है। वैसे ही आपका जो क्या होगा, रेड ग्रीन रेड रेड, ठीक है, इस टाइप का जो पैटर्न बनेगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देना है। यहाँ पे जैसे ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन पे आप अपवर्ड के लिए लिए, वैसे आप रेड ग्रीन रेड रेड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दोगे। फिर और एक पैटर्न क्या बनता है आपका, अगर ग्रीन प्लस रेड प्लस रेड होता है, ठीक है, बट तो आपको 2 कंडीशन आएगा। एक आएगा अगर आपका ग्रीन ऐसे बना, ग्रीन ग्रीन उसके बाद रेड उसके बाद रेड, अगर ये रेड कैंडल इसका सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ है तब आपको क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लेना। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा ग्रीन ग्रीन रेड रेड में, फोर्थ वाला कैंडल पे प्रीवियस 3 कैंडल का सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तब आपको अपवर्ड के लिए प्लेस कर देना, मतलब रिमेनिंग टाइम के लिए 5 मिनट के लिए ट्रेड लेना। जब आप देख रहे हो 3:50 हुआ देन आपको सेट कर देना 3:55, ट्रेड प्लेस करना 1 मिनट के बाद, मतलब 3:51 में आपको प्लेस करना, एक्सपायरी होगा आपका 3:55 में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है, इस टाइप का कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन बना हुआ है ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, 3 नंबर पे रेड है तो ये आपका मार्केट डाउन जाएगा। वैसे जब आपका रेड ग्रीन रेड, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका ग्रीन है, मार्केट अपवर्ड जाएगा रिमेनिंग टाइम के लिए। जैसे आप ये पैटर्न आप देख लो, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, मार्केट देखो डाउन गया हुआ, जहाँ पे ये रेड रेड ग्रीन रेड हुआ होगा तो मार्केट अपवर्ड गया होगा। मैं दिखाऊंगा आपको ये पैटर्न, आप देखना, जहाँ पे बना होगा देखो ये तो मार्केट अभी पूरा कंटिन्यूस ट्रेंडी मार्केट चला, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन होता है तो आपको अपवर्ड के लिए प्लेस कर देना। तो यहाँ पे अगर आप प्लेस करते हो देखो यहाँ पे इसका क्लोजिंग होता है, ऑलरेडी मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन होता है तो अपवर्ड के लिए, रेड ग्रीन रेड रेड होता है तो आपको डाउन के लिए, और ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन होता है डाउन के लिए, और ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, थर्ड नंबर पे आपका रेड है डाउन के लिए, ये फिर रेड रेड ग्रीन रेड जब हो जाएगा फिर अपवर्ड के लिए आपको लेना है रिमेनिंग टाइम के लिए 5 मिनट के लिए, ठीक है। दो स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया हूँ, कंडीशन मैंने बता दिया है, इस पर अगर आप काम करोगे देन आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये पैटर्न आप देख लो, मैं आपको ये पैटर्न भी एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी आई थिंक, अगर नहीं किया हूँ ये भी एक पैटर्न देख लेना, ग्रीन
रेड रेड ग्रीन, अगर ये होता है देन आपको डाउन के लिए ले लेना, अगर ये आपका रेड ग्रीन ग्रीन रेड होता है देन आपको अपवर्ड के लिए लेना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक ट्रेंडी पे होता है, जैसे ग्रीन हुआ रेड हुआ ग्रीन हुआ रेड हुआ तो मार्केट ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ देख लेना, ये जो पैटर्न आप देख लें, हिस्ट्री देखो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे वर्क कर रहा है कहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ट्रेंडी मार्केट पे प्लेस नहीं करना, जब ये मतलब कंटिन्यूस अपवर्ड चल रहा होगा तब आपको प्लेस नहीं करना सिंपली, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने अभी जो है एक्सप्लेन किया आपको, रेड ग्रीन ग्रीन रेड हुआ तो आप अपवर्ड के लिए प्लेस करोगे देन आपका क्लोजिंग होगा यहाँ पे, रेड ग्रीन होता देन आपको डाउनवर्ड के लिए प्लेस करना था। देखो यहाँ पे यही सेम पैटर्न जो मैंने एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे देखो ये वर्क किया हुआ है, ये क्रिप्टो आइडेक्स का है, ठीक है। और एक पैटर्न है आपका, देखो जो जो पैटर्न मैं बोला हूँ सब नोट डाउन करके देखना ना, एक होता है ग्रीन, ठीक है, सॉरी अगर होता है रेड ग्रीन रेड ग्रीन देन आपको डाउन के लिए लेना है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड देन आपको अपवर्ड के लिए लेना है। जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन रेड यहाँ पे अगर आप प्लेस करते हैं मार्केट आपके लेवल के ऊपर जाके वो क्लोज होता है, ठीक है। आपका क्लोजिंग होगा यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोजिंग होगा, प्लेसिंग होगा यहाँ पे, ये आपका पैटर्न बना ग्रीन रेड मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया, ठीक है। देखो ये जो ट्रिक है ये वर्क करेगा, ठीक है। आप अगर प्रॉपरली एनालिसिस करके प्लेस करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर आप इस टाइप के मार्केट में प्लेस करोगे देन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सॉलिड कैंडल पे करो और रात के टाइम ट्रेड करना, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। दोनों मैंने दे दिया है, एक आपका 5 मिनट ट्रेड लेने के लिए कंडीशन, ठीक है, जो जो कंडीशन मैंने बोला है वो कंडीशन अच्छे से सुन के नोट डाउन कर लेना और उस पर आप काम करना। जब ट्रेंडी मार्केट रहेगा तब प्लेस मत करना। ट्रेंडी मार्केट देखने के लिए मैंने ऑलरेडी EMA 2 लाइन लिया है, एक EMA आपका हो जाता है 8 और EMA 60, दो लाइन लिया हुआ है। जब वो लाइन को बार बार टच करा होगा तो वो ट्रेंड मार्केट में ट्रेंडी मार्केट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये बार बार उसी लाइन को टच कर रहा है, ये कंटिन्यूस आपका ट्रेंडी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न आप बना है, क्या बना है, ग्रीन रेड बना है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे वर्क किया हुआ है। देखो ग्रीन रेड पैटर्न बना है, मार्केट देखो अपवर्ड के लिए गया हुआ है, ठीक है। बस वही है, आपको इस टाइप का मार्केट को अवॉइड करना है और बस वही है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 30-40 मिनट का वीडियो हो चुका होगा शायद, आई थिंक। तो पूरा वीडियो को देखना एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं दोनों वीडियो को कंबाइन करके आपको दे देता हूँ, प्रैक्टिस करो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि मैं अभी दे दिया अब जाकर डायरेक्टली रियल अमाउंट पे जाकर ट्रेड करने लग जाओगे, बग इतना इजी होता नहीं है, ठीक है। बग एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस तभी वर्क करेगा जब आप साइकोलॉजिकली उस पर आप काम करोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया, उस पर आप प्रैक्टिस करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा यहाँ पे।